जब डायलिसिस का सामान आता है कुछ मसाला स्पाइसेस डालते नहीं है। Assalamualaikum guys, thank you for showing so much love on my first video. आज का जो व्लॉग है वो डायलिसिस के बारे में है कि आज जो मेरा दिन है डायलिसिस का वो कैसा जाता है और वो मैं आपको बताऊंगी विद माय प्यारे हस्बैंड इमरान अंसारी। मैं डालूंगी पानी कम पीने का। कौन सी बोतल ली है? ये छोटू वाली। ठीक है, क्या बोल रही थी अभी बताओ जरा। तो मैं ये बोल रही थी कि पहले मेरे को खुशी होती थी कि अगर मतलब कोई पार्सल आता था उसके अंदर यूजुअली कपड़े होते थे, ज्वेलरी होती थी, तो बहुत मज़ा आता था। अब मेरा जब डायलिसिस का सामान आता है जैसे ये सर्जिकल ग्लव्स है, फिर ये मेरे दवा का डब्बा है, तब मेरे को ज़्यादा खुशी होती है। आई एम एक्साइटेड फॉर दिस टू #dialysis डायलिसिस लाइफ। अब हम जा रहे हैं आनावटी हॉस्पिटल। आज डायलिसिस डे है इसलिए क्या बोल रही हूँ मैं, पहले तो बोल चुकी हूँ ना। तो अभी हम लोग रास्ते में है, लिंक रोड से नानावटी मैक्स हॉस्पिटल जा रहे हैं अभी फिलहाल, जहाँ से ट्रीटमेंट चल रहा है, उनके अच्छा लगता है। तो जब हम यहाँ से निकलते हैं तो एक शॉर्टकट होता है, एक लॉन्ग कट होता है, तो हम लॉन्ग कट लेते हैं। तो लॉन्ग कट इसके लिए लेते हैं क्योंकि बहुत सारी हरियाली आती है बीच में, जुहू दिखता है, ठीक है, तो वो सारी चीजों में हमको मजा आता है कि अगर चलो ठीक है अभी 4 घंटा वहाँ पे जाना है, ट्यूशन पढ़ने जाना ही है, तो हम थोड़ा सा एंजॉय करके जाए, बच्चे को लॉलीपॉप दिखा के लेके चलो कि अभी जाना है डायलिसिस पे। तो ये चीज होती है, हम लोग लॉन्ग कट लेके जाते हैं और यूजुअली 4 बजे तक पहुंच जाते हैं। तो भी हमको बेटर लगना चाहिए, मजा आना चाहिए, बहुत मजा आना चाहिए। गाइस आप लोग देख सकते हैं ये ऐसी जगह है जहाँ पे साल के 365 डेज यहाँ पे ट्रैफिक होती है। ये धोखा वाला जगह है, धोखा है, धोखा, इसलिए हम घूम के आते हैं कभी कभी। और वो जो व्हाइट वाली बिल्डिंग दिख रही है वो मीठी भाई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज ट्रैफिक का दूर दूर तक कोई निशान नहीं है यहाँ पे। बच्चे everybody looks like a Zomato person after hearing her. ये एक सत्य है। थोड़ी सी weird सी smile करो। रुको रुको रुको, let me capture it. करो करो। अगर वो थोड़ी सी ऐसी वाली smile करो तो पक्का Zomato वाले। I have a huge respect for all the Zomato and Swiggy people. बहुत इज्जत है आप लोगों के लिए। रिस्पेक्ट है दिल से, सही में मतलब इतना हैवी हैवी बैग लेके जाते हैं। और भूखे रहते हैं, उनको घर तक खाना पहुंचाते हैं, भले पैसा लेते तो क्या होगा। चालू होता है फिर मैं वापस से वेट करती हूँ, उनको बताती हूँ कि कितना वजन बढ़ा है, वो अकॉर्डिंगली वो लोग सेट करते हैं कि कितना फ्लूइड निकालना होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि उसके बाद में आता है हमारा फेवरेट नाश्ता,
जो कि है ब्रेड बटर, तो वो बहुत अमेजिंग होता है, जगदीश अंकल का ब्रेड बटर, इट इज ऑसम। और दूसरी कि नानावटी की चाय। नाश्ता कैसा रहता है वाला? देखो उपमा और पता नहीं क्या क्या होता है, वो मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है, बिकॉज उसके अंदर लोग कुछ मसाला स्पाइस डालते नहीं है। तो हमारा ब्रेड बटर अच्छा है, हम कहीं पर भी स्पेशली ब्रेड बटर ही मिलता है। हाँ, मुझे स्पेशली मिलता है, बिकॉज बाकी की जो भी चीज़ें वो मैं खाती नहीं हूँ। तो मेरा जो ब्रेड बटर होता है, मेरी छोटी सी पैलेजी बिस्किट होती है ये, जब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती तब मैं खाती। और एक और एक चीज़, जगदीश अंकल का ब्रेड बटर इज़ वेरी टेस्टी। जगदीश अंकल का पाव भाजी बोलने वाली थी मैं। वो चीज़ हम मिस नहीं करते। जो भी पेशेंट डायलिसिस पे होता है, बहुत सारे अलग अलग, आप जब 100 पेशेंट देखोगे सीकेडी के, तो कोई बहुत एकदम नॉर्मल दिखेगा, क्योंकि सीकेडी पेशेंट कुछ लोग एकदम आपको ऐसा लगेगा इसको कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ। अभी जैसे आपको शबनम लग रहा हो कुछ हुआ ही नहीं है, बट बहुत सारे ऐसे ओल्ड, खास करके जिनकी एज बढ़ जाती है, तो उनको थोड़े कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं। सीरियसनेस किस लेवल पे है वो डिफाइन करता है कि पेशेंट का स्टेटस क्या है। अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम शबनम डायलिसिस पे, बट शी इज नॉट सीरियस। अब हो सीकेडी हो गया है, बट ठीक है, उसको हम सरपास कर चुके हैं, अब उसका सोल्यूशन की ओर हम बढ़ रहे हैं। जो सीकेडी के हर पेशेंट होते हैं प्री डायलिसिस, उनको कुछ ऐसी चीज़ें, सिम्टम्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले मुझे बीपी चेक करना पड़ता है। तो यूजुअली मेरा बीपी 206, कभी कभी 190, 180 ऐसे होता है। तो उसमें एक बहुत बॉडी में प्रेशर फील होता है, ठीक है। तो जब तक वो एंटी हाइपरटेंसिव नहीं लेंगे, बीपी ड्रॉप नहीं होगा, तब तक अच्छा नहीं लगेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैंने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया, तो उसके बाद में मेरे बॉडी के अंदर फ्लूइड रिटेंशन होना चालू हो जाएगा और मेरे पैर बहुत ज़्यादा सूज जाएंगे। जब पेशेंट डायलिसिस पे होता है, ड्यूरिंग डायलिसिस, तो पेशेंट को, बहुत सारे पेशेंट्स नॉर्मली बैठे रहते हैं, आके सो जाते हैं, कुछ होता नहीं है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको कभी किसी का शुगर ड्रॉप हो जाता है, किसी का क्या नाम है, बीपी ड्रॉप हो जाता है। आइडियली मोस्टली पेशेंट्स में बीपी ड्रॉप होते हैं, बट मैं रेयर केस हूँ। मेरे जैसी डायलिसिस स्टार्ट होता है, वैसे अगर मैं इन केस बीपी 120-130 भी होगा, तो वो एक घंटे में 200 क्रॉस हो ही जाता है। तो वो एक्चुअली इट इज़ अ वेरी रेयर कंडीशन, बहुत कम लोगों को होता है जिसमें डायलिसिस के टाइम पे आपका बीपी हाई होता है। डायलिसिस अभी फिलहाल पिछले 4-5 सेशन से तो स्मूथली ही जा रहा है। हाँ, और जब स्मूथली जाता है तो मैडम को भूख लगती है, फिर मैडम फोन करती है कि भूख लगी है। 7 बजे मैं कॉल करती हूँ कि मुझे भूख लगी हुई है। सो गाइस, शबनम को जब भी यहाँ पे भूख लगती है तो वो नानावटी का स्पेशल वेज पुलाव खाती हो, घी वाला। हम लोग ये वीडियो में आपको बहुत खिलखिलाते हुए, हंसते हुए देख रहे होंगे, ऐसा फनी चीज़ हो रही होगी, तो ये मत सोचिएगा हम लोग बहुत इजी हो रहा है हम लोग के लिए, हम लोग मजाक ले रहे हैं सीकेडी को, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक लाइन है, मुझे याद नहीं आ रही है, जो ह्यूमर के ऊपर है, कि जब आप कोई चीज़ को ह्यूमर में ले लेते हो, तो ह्यूमर इज़ बेसिकली अ मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म। तो जब आप चीज़ों को ह्यूमर में लेते हो, तो आपको एक एक्सेप्टेंस बहुत इजी हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा ही मतलब लाइट हार्टेडली चीज़ों को ले रहे हैं, पॉजिटिवली ले रहे हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे फेस पे थोड़ी हरियाली दिख रही होगी, बट लास्ट 6 मंथ्स वॉज वेरी टफ। वो दूसरे वीडियो में हम डेफिनेटली बताएंगे कि ये वीडियो देख के हो सकता है आपको अपनी लाइफ की प्रॉब्लम छोटी लगने लगे, ठीक है। तो और हमको भी बहुत सारे दूसरे लोगों की प्रॉब्लम्स देख के हमको हमारी प्रॉब्लम छोटी लगने लगी। जैसे आज एक बच्चा पीडियाट्रिक में हमको क्या दिखा था, 5 ईयर्स का बच्चा था जिसका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है और वो 42 डेज से हॉस्पिटल के अंदर है। तो उसको देख के मुझे ऐसा लगा कि यार जब वो सर्वाइव कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो एक हमारे प्रॉफेट मोहम्मद की हदीस भी है, अपने से नेचर की प्रॉब्लम्स को देखो तो आपको सब्र मिलेगा। सो बेसिकली यानी कि बेसिकली हर चीज़ में अपने से नीचे लोगों को देखो तो आपको एक सब्र मिलेगा। जैसे हम अक्सर देखते हैं कि अंबानी के पास इतना है, अंबानी के पास उतना है, फिर हम अपने आप को कोसने लगते हैं। बट व्हेन वी सी पीपल ईटिंग फ्रॉम डस्टबिन, जो भी मिल रहा है डस्टबिन में से वो उठा के खा रहे हैं,
फिर हम उस चीज़ को शुक्रिया अदा करते हैं कि यार हाँ चलो अपना दिन अच्छा है, अल्लाह ताला उनको भी सब संभाल के रखे और ऐसे दिन ना दिखाए किसी को। एनीवेज दिस वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। सो डायलिसिस खत्म, पैकअप। सो आफ्टर डायलिसिस वेट चेक करना पड़ता है, पोस्ट डायलिसिस वेट। सो अभी हमारा डायलिसिस खत्म हो चुका है, अभी हम जा रहे हैं घर पे। ऐसा छुट्टी हो गई, ट्यूशन की छुट्टी हो गई है। ट्रेन आ चुकी है, अभी हम घर जा रहे हैं और ये ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आगे की जो भी इस चैनल का फ्यूचर क्या है, व्हाट आई एम गोइंग टू अपलोड, और अभी आगे आपको और क्या क्या देखने मिलेगा वो हम आने वाले वीडियो में बताएंगे। एंड स्टे फिट की पॉज पे कहते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।